सुनिए, हम उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हम इतनी वो समझ रहे हैं कि वो हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे अगर हम नहीं ये समझते तो हम क्यों वो वीडियो काट काट के कहाँ कहाँ पहुँचाई हमने वीडियो कि ये देखिए अब तो करो काम, बेगैरतों तो अब तो करो काम। हम तो अपने लोगों को गाली दे रहे हैं, हम तो अपने ही लोगों को गाली दे रहे हैं। तुमको किसने अधिकार दिया हमारे इदारों पे उंगली उठाने का? तुम कौन हो? तुमको कौन देखता है? कितने लोग देखते हैं आपको? आप पर्सनली जिस पर अटैक कर रहे हो उस पर अटैक करो जिसने आपके मुल्क के लिए कुछ बोला है। सीमा हैदर का तो आप कुछ उखाड़ नहीं पाए, आपकी वजह से सीमा हैदर के वजह से सीमा हैदर हमें भी गाली दे रही है। कमाल की बात है। हम चाहते हैं कि हम ये वाली लाइफ किस तरह ना करें। मतलब आप क्या बोलू मैं, क्या बोलू मैं इतनी स्पीच हूँ उस बंदे को सुन के। मैं दो बार पहले मैं सुन के चुप हो चुकी हूँ। ये तीसरी लाइव है उनकी हमारे मेरे मुल्क के खिलाफ, मेरे कानून के खिलाफ, मेरे हमारे इदारों के खिलाफ है। तीसरी लाइव है उनकी। दो बार माफ कर चुकी हूँ मैं सिर्फ मेरे भाइयों की वजह से। मेरे साथ में ऐसे ऐसे भाई बैठे हैं, आप जैसे भाई बैठे हुए हैं। आप लोगों को देख के ये चीज में बढ़ाती नहीं हूँ, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज तो गाली गलत होकर आए बंदे, आप तो मार से गाली गलत होकर आए। क्योंकि आज ऐसे ऐसे जो यूट्यूबर है जिनको चार लोग नहीं देखते, आज मेरे वतन पे, मेरे देश पे, मेरे देश के कानून व्यवस्था पे और हमारे इदारों पे उंगली उठा रहे हैं। आज वो लोग हमारे इदारों पे उंगली उठा रहे हैं। उनको किसने वो दिया है, हाथ दिया है हमारे कानून व्यवस्था पे उंगली उठाने की? नहीं है आप लोगों को अगर कि भाई ये हिंदुस्तान कुछ नहीं कर रहा है तो ले जाइए। आप जैसे आप बोल रहे हो कि आके सीमा को और बच्चों को उठा के ले जाएंगे, ले जाइए। वीजा की बात करते हो आप, हम लोग आते हैं आपके लिए वीजा। बोलिए कितने लोगों ने आना है, बोलिए कितने लोग आ रहे हैं आप सीमा को उठाने के लिए। आइए ले जाइए, हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। इतनी बेघर होता था, हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। चार लोग आपको देखते हैं, आप हमारी सरकार पे उंगली उठा रहे हो, आपके मुल्क पे हमारे लोगों ने उंगली उठा, हमने उनके खिलाफ बोला, आपको किसने हक दिया हमारे इदारों पे उंगली उठाने का? मूड बहुत खराब है आज। मतलब दो लोगों से भी मैं बात करके आई हूँ, उन्होंने मुझे काम डाउन होने के लिए बोला, लेकिन नहीं, मैं के खिलाफ नहीं सुन सकती हूँ। या तो वीडियो डिलीट करे, नहीं तो खिलाफत पे अगर हम आ गए तो हम भी खिलाफत पे आ जाएंगे फिर। आपको किसने अधिकार दिया हमारे मेरे मुल्क को गाली देने का? आप होते कौन हो मेरे मुल्क को गाली देने वाले? आप होते कौन हो मेरे कानून पे उंगली उठाने वाले? हमें अपने कानून पे भरोसा है, आपको हमें भरोसा नहीं हो रहा है? 15 महीने में तो आप कुछ उखाड़ नहीं पाए, हमने कम से कम आवाज ऊपर तो की है। हम अपने ही हमारे एपी सिंह जी है वो हमारे मुल्क के हैं, हमारे देश के हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं। आप जाके देखिए आप लोगों ने किया क्या। हाँ पहले ये बताइए बोलना, आपको देखते कितने लोग हैं? पहले आके बोलिए। और मेरा बर्थडे गिफ्ट भाई बहुत अच्छा दिया आपने। आप हर जगह पर बोलते सरिता बहन ये सरिता बहने, आप मेरे मुल्क को गंदा बता रहे हो, आप मेरे मुल्क के खिलाफ बोल, मेरे खिलाफत पे चले गए तो फिर हम लोग बहुत अच्छी तरह खिलाफत पे जा सकते हैं? आप केस बिगाड़ रहे हो, आप बिल्कुल हैदर भाई का साथ नहीं दे रहे हो, आप हम लोगों को भड़का रहे हो ताकि हम केस से हट जाए। बिल्कुल सही बात है। प्लीज आपसे निवेदन है, आपने केस में बने रहना है तो उस तरह से रहिए, नहीं तो आप अपने ब्लॉग बनाइए। जैसे आप अपने ब्लॉग बनाते हैं आप वो बनाइए। और अभी मैं इसलिए इतना स्लोली बोल रही हूँ क्योंकि रात ज्यादा हो गई है, हमारे फ्लैट में ऊपर नीचे लोग रहते हैं। और बावजूद इसके कि मेरे साथ में 3-4 भाई ऐसे जुड़े हुए हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत इज्जत। एक अल्लाह वाले टीवी वाले भाई हैं, एक आप हुए, एक साहिद भाई हुए और एक वो हुए वकील साहब। आप लोग बहुत इज्जत देते हो, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं है किसी की सुनने की, और हमने किसी की सुनने की ठानी भी नहीं है। आज तक आपने सुना है वो हमेशा वो इंसान गुलाम हैदर भाई को भड़का रहे हैं कि गुलाम हैदर तो गाली दे। बताओ वो मैंने पूरी वीडियो सुनी, बेटा मेरा केक पूरा वो अगरबत्ती जल गए, बेटा मेरा केक लेके खड़ा है, मैं उसको बोल रहा रुक जा। मैं पूरी वीडियो सुन रही हूँ क्योंकि मुझे एक एक वो शब्द सुनने हैं। मैं ही अगर यहाँ पे भड़क जाऊ ना तो उठवा लो आप आवाज, किससे उठवाते हो? उठवा लो आप आवाज, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों में है एकता, बहुत एकता है।
ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। देखो आपको किसने अधिकार दिया है, आपको दो बार ऑलरेडी हम छोड़ चुके हैं मेरे मुल्क के खिलाफ, अगर आप बोले तो मैं बिल्कुल बख्शूंगी नहीं, मेरे मेरी सरकार से आप उंगली नहीं उठा सकते। हमने कभी आपके सरकार ने क्यों नहीं किया, हमें पता है ना आप लोग कमी नहीं करोगे, हमें पता है कि आप लोग कोई कमी नहीं छोड़ोगे। हमने कभी आपके मुल्क पे उंगली उठाई, कभी नहीं। यहाँ पे ये बेगैरत यहाँ पे नारेबाजी लगाई इसने, तो हम लोगों ने उसको वो कंडम किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान में आके तो ऐसा नहीं कर सकती है। हम एक ही सिंह के खिलाफ अगर खड़े हो सकते हैं तो आप कौन है, आपको कितने लोग देखते हैं, आपको कितने लोग जानते हैं, किसी मुल्क की तो बात ही नहीं है, किसी धर्म की तो बात ही नहीं है। जब बिल्कुल यहाँ पे हम जाति धर्म नहीं देख रहे हैं, दो मुल्क नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे एक पिता और चार बच्चों को देख रहे हैं। इस बेगैरत उल्लू की पट्टी यहाँ पे आएगी इसको भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसको कानून देखेगा। और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि इसका जो है इसको स्ट्राइक मार रखी, इसको वो भी आ गई है, मेरी भी आ गई है बड़े वाले चैनल पे। तो अब इससे ज्यादा और क्या करें, मोमिन मलिक साहब इसके सर पर बैठ जाए, क्या चाहते हो आप लोग? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बस मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके मुल्क के लिए अभी हम लोगों में इतनी वो हो गई है कि हम नहीं समझ रहे हैं कि आप पाकिस्तान से हो भाई, एक ही परिवार की फैमिली के हैं हम लोग। ऐसी बात, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, हम लोगों का मुद्दा एक है, मकसद एक है, सिर्फ वो बच्चे और हैदर भाई। तो आप मेरे मुल्क के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, आप हमारे इदारों के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, आप मेरे कानून के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? आपको किसने हक दिया गाली देने का, आपको किसने हक दिया? मैं नहीं सुन सकती, जब आपके मुल्क के खिलाफ मैं नहीं सुन सकती हूँ, मेरे मुल्क से कोई बोलता है तो आपके मुंह से मैं मेरे मुल्क के लिए बिल्कुल भी नहीं सुन सकती। हम मैंने कहा ना, हम वो लोग हैं कि अपनी अगर जान दे सकते हैं तो जान लेने की भी हिम्मत रखते हैं, और हम ऐसे नहीं कि मार काट के जान लें, हम बंदे को रुआ रुआ के मार देते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। खास तौर पर उनके लिए जिनके चैनल पर मैंने अभी वो, प्लीज उस वीडियो को हटा दें। पर्सनली किसी को आप जो मर्जी करो, आप पर्सनली उनसे निपटो, हम इजाजत देते हैं आपको, क्योंकि आपके मुल्क के लिए बोला गया है। बट आप ये भी देखो कि उनके चैनल पर जाके देखो कि आपके मुल्क के लिए बोला है, फिर उन्होंने माफी की भी वो मांगी है, माफी की भी वीडियो बनाई है, वो भी देखो आप। यही चैनल है, इसी चैनल में बैठ के, इसी चैनल में बैठ के हम दोनों मुल्कों के लोगों को समझा रहे हैं, दोनों मुल्कों, हम दोनों बहन भाई ये नहीं देखते हैं कि आज पाकिस्तान के किसी ने गलत किया है तो उसको, नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम उन बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं कि भाई आप रहो, आप चुप रहो, ऐसी कोई गलती मत करो कि कल को हमें कुछ बड़ा हो भुगतना पड़े। आप मेरे मुल्क को गाली दे रहे हो, आपको किसने इजाजत दे दी? आपको नहीं है भरोसा तो आओ आप ले जाओ भैया, हमें नहीं चाहिए एक दो कौड़ी की दो टके की औरत, अरे जिसको जिसकी औकात नहीं है, जिसने आके यहाँ पे एक और जो परिवार है उस परिवार को भी इतना गंदा कर दे, अरे उस परिवार पे भी थू है, उस परिवार पे भी दो कौड़ी का परिवार सारा, इस परिवार की वजह से कितना सुनना पड़ रहा है। देखिए क्या पाकिस्तान हुआ, क्या हिंदुस्तान हुआ, दोनों मुल्कों की कितनी गालियां सुननी पड़ रही दोनों मुल्कों को। दोनों मुल्क इस बेगैरत औरत ने दोनों मुल्कों को कितनी गालियां खिलवा दी है, इसकी तो इज्जत नहीं है। कम से कम आप लोग आराम से तो वो करो, काम करो, आप काम कर रहे हो, आप ऊपर से हैदर भाई को भड़का रहे हो, हैदर ने आगे तो हैदर नाम लेके गाली दे, आप कौन होते हैं हैदर भाई को भड़काने वाले, कौन होते हो आप हैदर भाई को भड़काने वाले? आप क्या चाहते हो कि उनके बच्चे ना मिले उनको? हम जो हम लोग वीडियो बना बना के, आप शायद भाई आज लाइव थे वकाश भाई के साथ में, मैं हूँ जब मैं उनको बोल रही हूँ कि लाइव में ये दिखाइए, उनको दूसरे नंबर पर मैं भेज रही हूँ वीडियो, उनको मैं वॉइस नोट भेज रही हूँ कि भाई ये दिखाइए कि ये देखिए बच्ची के साथ में क्या हुआ है। हम चाहते तो हम नहीं करते कि छोड़ो ये लोग लाइव कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ भाई को, साहिद भाई को, साहिद भाई ये देखिए कल वाली वीडियो है, ना ना करते करते हुए भाइयों को मुझे वो वीडियो भेजनी पड़ रही है जहां पर उस बेगैरत औरत ने उस बच्ची को न्यूड रखा है, ऊपर से तो पहना दिया उसने, दो टके की दो पैसे की औरत, कल दो दो रुपए में दिखने वाली औरत, तूने उन बच्चियों की क्या हालत कर दी? कल तेरे पे तो मैं कह रही कीड़े कीड़े भी नहीं पड़ेंगे तेरे पे, तेरी जैसी औरत को तो कीड़े भी नहीं खाएंगे।
तो मेरे मुल्क को अब गाली खिलवा रही है, अपने मुल्क को तुमने खुद गाली दी है, तेरे को तो शर्म नहीं है, तेरे को तो जूते मारने चाहिए तेरी जैसी औरत को, तेरी जैसी औरत मेरे मुल्क को और मेरे मेरे इदारों को मेरे मेरे कानून को गाली खिलवा रही है, तेरी जैसी औरत को तो ना सच में ही औरत तू तो औरत के नाम पे धब्बा है, बेशरम औरत बेगैरत औरत, तेरी जैसी औरत को तो कुत्ता भी ना हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, लेकिन वो बेगैरत आदमी है ना जो तेरे को पैसे देते हैं, मैं तो कह रही हूँ उनके माँ बहने बेटियां पे भाग जाए जो तेरे को यहाँ पे सहारा दे रहे हैं, उनकी उनके भी भाग जाए बच्चों को लेके, जैसे तू हैदर भाई की जिंदगी खराब करके आई है ना और उनके बच्चों को लेके आई है, ऐसे मेरे मुल्क को गाली खिलवा रही है खाली उल्लू की पट्टी, तू है कौन, तेरी औकात क्या है, तू हिंदुस्तान को गाली खिलवाएगी, और वो यूट्यूबर है क्या, उस यूट्यूबर को देखता कौन है, चार लोग उस यूट्यूबर को देखते नहीं है, बड़े बड़े हाँकता है, दो इंग्लिश के शब्द बोल रहे थे कि तेरे दो इंग्लिश के शब्द सुनने के लिए लोग आ जाएंगे, तो मेरे हिंदुस्तान को गाली दे रहा है, जहां हिंदुस्तान की महिलाएं उन बच्चों के लिए खड़े हैं, सबसे पहले वीडियो हम लोगों ने दिखाई है, हम लोग उसके चैनल पे जाते भी नहीं तब भी हमारे पास वीडियो आ जाती है कि सरिता मैडम ये देखिए, सही बात बिल्कुल सही बात, तुम मेरे मुल्क को गाली दोगे, तुम मेरे इदारों को गाली दोगे, तुम मेरे कानून को गाली दोगे,